वालेकुम व्यूअर्स, रानी के किचन से रानी हाजिर है और आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं उनमें सबसे मेजर इंग्रेडिएंट चिकन है जो मैंने 1.5 kg ली है। मैंने 10 के करीब बड़ी मोटी हरी मिर्चें ली हैं जिन पे मैंने कट लगा लिया है। और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है मसाला अचार का, मैंने अचार गोश्त मसाला नहीं लिया बल्कि नॉर्मल मार्केट में दस्तियाब अचार का मसाला लिया है। 4 tablespoons मैंने अचार का मसाला लिया है और 2 tablespoons मैंने गार्लिक पेस्ट, 2 tablespoons मैंने जिंजर पेस्ट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके अलावा जो स्पाइसेस लिए हैं उनमें है रेड चिली पाउडर 1 tablespoon, रेड चिली फ्लेक्स 1 tablespoon, 1 tablespoon सॉल्ट और 1 teaspoon मैंने हल्दी पाउडर टर्मरिक पाउडर लिया है। और 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने काट लिए हैं, 1 पाव दही मैंने ले लिए इसके लिए और इस कप से 1/2 cup ऑयल मैंने पैन में डाल लिया है। और अब करते हैं मसाले अप्लाई करने का प्रोसेस। उसके लिए व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट व्यूअर्स, अचार के मसाले के साथ साथ मैंने 1.5 नींबू भी ले लिए हैं जो मैं इसमें स्क्वीज करूंगी और उसके बाद ये कटी हुई मिर्चों में मैं थोड़ा थोड़ा मसाला भरूंगी और जो रिमेनिंग स्पाइसेस हैं वो मैं इसमें डालूंगी। तो सबसे पहले मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और ये तमाम के तमाम ड्राई स्पाइसेस इसमें डाल रही हूँ। असल में हमें इस चिकन को 1/2 hour के लिए रखना है ताकि इसमें पेरिट्रेशन का अमल हो जाए और मैरिनेशन का प्रोसेस तकरीबन आप 1/2 hour के लिए कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मसालों में, अचार के मसालों में नेमन स्क्वीज करके मैंने उन्हें मिर्चों में फिल कर लिया और रिमेनिंग स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये 1 पाव दही भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्सिंग का प्रोसेस अच्छी तरह से होना चाहिए और मैरिनेशन के टाइम ड्यूरेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कम से कम 1/2 घंटे के लिए रखें, ज़्यादा अगर आपको रखना है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप यूट्यूब कुकिंग चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्राय मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स दें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली करामत वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जी व्यूअर्स, तो मैरिनेशन के लिए मैं 1/2 hour के लिए चिकन को छोड़ रही हूँ और साथ ही मैंने करियंडर लीव्स, हरा धनिया थोड़ी सी काट ली है और जिंजर के बारीक बारीक स्लाइसेस ले लिए हैं। ये 2 चीज़ें गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी और टमाटर मैं करी की प्रिपरेशन के दौरान ऐड करूँगी। व्यूअर्स, 1/2 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अब मैं करी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 1/2 cup ऑयल पहले से गर्म कर लिया है। अब मैं बर्नर को बिल्कुल लो कर रही हूँ और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कटे हुए टमाटर। व्यूअर्स, ये अचार गोश्त थोड़ा डिफरेंट वे में तैयार कर रही हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट पाइएगा इंशाल्लाह। अब मैं इसे 2-3 मिनटों के लिए सॉफ्ट होने के लिए छोड़ रही हूँ ढक्कन कवर करके। जी व्यूअर्स, 2 मिनटों के बाद हमने टमाटर की कंडीशन चेक की तो देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स, टमाटरों में मैंने इसे मिक्स कर लिया है लेकिन इसके साथ ही मैं 1/4 cup पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, 1/4 cup। और बाकी ये अपने ही सॉस में, अपने ही पानी में ही अच्छी तरह से चिकन गल जाएगी तो मैं इसको भूनूंगी और फिर इसमें मिर्च ऐड करूंगी। मैं लिए 10 मिनट्स के लिए मैं छोड़ रही हूँ इसे। जी व्यूअर्स, तो 10 मिनटों का ड्यूरेशन गुजर चुका, अब हम देखते हैं कि हमारी करी कैसी है। अब टाइम हुआ है कि मैं इसमें मसाले से भरी हुई मिर्चें ऐड करूँ, तो मैं मिर्चें ऐड कर रही हूँ और 5 मिनटों के लिए मैं ऐसे कवर करके फिर से छोड़ दूंगी। जी व्यूअर्स, तो टोटल 15 मिनट में हमारी करी रेडी हो चुकी है, मैं बर्नर ऑफ कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त, थोड़ा डिफरेंट वे में
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।